हेलो फ्रेंड, इंटरेस्टिंग जीके क्विज सीरीज का आज का ये हमारा 45 नंबर का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर एक, ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना लड़की की शादी नहीं हो सकती। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है मंगलसूत्र और सिंदूर। यह दो चीज ऐसी है जिसके बिना किसी भी लड़की की शादी नहीं हो सकती। तो सवाल नंबर एक का सही जवाब हो जाएगा मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दो, सेल्फी लेते समय दो उंगलियां क्यों दिखाई जाती है। दोस्तों, इसका कारण है सेल्फी लेते समय जब हम दो उंगलियां दिखाते हैं तो दो उंगलियों से मिलकर वी का निर्माण होता है और वी से विक्ट्री शब्द का निर्माण होता है, इसलिए हम सेल्फी लेते समय दो उंगलियां दिखाते हैं। तो सवाल नंबर दो का सही जवाब हो जाएगा दो उंगलियों से मिलकर वी का निर्माण होता है जिससे विक्ट्री शब्द बनता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीन, फ्रिज में कौन सी गैस पानी को ठंडा करती है। इसका जवाब है फ्रिज में अमोनिया गैस के कारण पानी ठंडा होता है। तो सवाल नंबर तीन का सही जवाब हो जाएगा अमोनिया गैस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर चार, भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन थे, इनका नाम आपको बताना है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सवाल नंबर चार का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर पांच, किस देश की 40% महिलाएं शादी से पहले माँ बन जाती हैं। क्या है सवाल, किस देश की 40% महिलाएं शादी से पहले माँ बन जाती हैं, इस देश का नाम आपको बताना है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है अमेरिका देश। अमेरिका देश एक ऐसा देश है जहां पे 40% महिलाएं जो है यह शादी से पहले माँ बन जाती है। तो दोस्तों, सवाल नंबर पांच का सही जवाब है अमेरिका देश। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, आज के सवाल आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से कनेक्ट होने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अपना प्यार व स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए। लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी का जय हिंद जय भारत।